रिश्ते मजाक नहीं होते नूर। तो फिर आप भी रिश्तों का मजाक नहीं बनाए। अगर मैडम फारूकी ने अतिया खाला के रिश्ते से इनकार कर दिया फिर अम्मी समझाएं इन्हें। दोनों इमाम और अतिया अपनी खुशियों से जाएंगी, मेरी पसंद ना पसंद मत सोच। मैं मोहब्बत मोहब्बत ही कायल नहीं हूँ, बस मामला सोच समझ के सुलझाने की कोशिश करें और पप्पो को इनकार नहीं करना, बस उनकी पसंद के मुताबिक इमाम का रिश्ता देना है। वो जुनेद खुद समझा दे। निकाह की तारीख तय हो चुकी है, अफिया और जुनेद अब इमाम के लिए नहीं माने। अबू अगर मैंने अरसन के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली तो जुनेद और पप्पो क्या करेंगे? आप दोनों कितने बेबस हो जाएंगे, फिर इमाम और अतिया से कौन शादी करेगा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो तुम? नूर होश में हो तुम? मैं आप दोनों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इस घर की खुशियों के लिए अपनी खुशियां दांव पे लगा रही हूँ, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, और आप लोग हैं जो अपनी अन्ना और अपना गुरूर नहीं कुर्बान कर सकते। सोचिए जरा। मुझे अब ना तुम चाहिए हो ना तुम्हारा घर, क्योंकि तुम इस काबिल नहीं हो जो मेरा हाथ थाम के रखे हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। मैं ना शादी करूंगी, ना निकाह, ना कुछ। कहीं नूर बदल तो नहीं गई? क्या हुआ, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं अभी तक? जी अम्मी नींद नहीं आ रही। अपने कमरे में जाओगे, बिस्तर पे लेटोगे तो नींद आएगी ना? इस तरह खुली जगह पे बैठे रहोगे तो कैसे नींद आएगी? अम्मी नींद तो कहीं भी आ सकती है। यही तो तुम्हारी गलत फहमी है, हर चीज की अपनी जगह होती है। अब देखो सोना मेडिकल स्टोर से तो नहीं मिलता ना, और ये आटा दाल चावल ये सुनार की दुकान पे नहीं बिकते, और मैंने तो कभी किसी कबाड़िये को सोना बेचते नहीं देखा। चलो चल के सो, तो मैं भी घड़ी दो घड़ी आराम कर लूं। और जुनेद, मातम मुर्दे पर किया जाता है, मरीज के सिराने नहीं। चलो शाबाश, चल के सो जाओ।